as business advisor and trainer from Support 50. Dear friend, आज तक मैं काफी सारे लोग को देखे आया हूँ, कभी कभी वीडियो लोग देखते हैं और उसके बाद स्किप कर लेते हैं, और अगर ये वीडियो आप अगर स्किप कर लेते हैं तो शायद आप जिंदगी को जीने सीख सकते हैं। मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ आपको, अगर रियली में कुछ सीखना चाहते हैं, रियली में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपने जिंदगी में कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखते हैं। डिफरेंट, अगर डिफरेंट करना है, डी फॉर्मूला में डिफरेंट आया था और डिफरेंट आपका क्या हो गया मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको वो चीजें पता नहीं है तो आई बटन में उसका डिटेल वीडियो मिल जाएगा, आप जाके वहां पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नहीं तो आप मेरा वीडियो चैनल को जाकर डी फॉर्मूला क्या होता है उसे देख सकते हैं। और आज जो सेक्शन होने वाला है वो होने वाला है ई फॉर्मूला। ई फॉर होता क्या है, आप बच्चों को सिखाते ई फॉर होता क्या है। ई फॉर होता है एलिफेंट। तो दोस्तों दुनिया में जिंदगी में ई फॉर एलिफेंट नहीं होता है। ई फॉर होता क्या है मैं आपको इसी वीडियो के अंदर पूरा बताऊंगा। अगर चाहते हैं ई फॉर कुछ सीखना तो ये वीडियो लास्ट तक देख रही, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, ई फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको एक बेहतरीन सजेशन देने वाला हूं, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल पार्टनर हैं, जो फर्स्ट है होस्टिंग पार्टनर, दैट इज ग्रीन गीक, इज अ वेरी गुड होस्टिंग। जो कि आप चाहते हैं अगर अपना बिजनेस को होस्ट करना, अपने वेबसाइट को होस्ट करना, तो होस्टिंग पार्टनर है ग्रीन गीक, उनका उनके साथ आप जा सकते हैं, उनके साथ आप मिलकर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप जाकर सर्च कर सकते हैं। डोमेन पार्टनर द नेम चेंज इज अ वेरी गुड डोमेन पार्टनर। अगर आप चाहते हैं कुछ अपनी कंपनी के नाम पर, अपनी ब्रांड के नेम पर कुछ डोमेन खरीदना, तो आप जाकर डोमेन पार्टनर हमारा जो है नेम चेंज, आप उनके साथ आप जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तीसरा है द वेरी गुड एसईओ पार्टनर सेमरश। डियर फ्रेंड, अगर आप अगर कुछ भी चीजें बनाते हैं वेबसाइट रिलेटेड, तो आप उसको एसईओ नहीं करेंगे तो उसका ग्रोथ नहीं होने वाला, इसीलिए सेमरश इज अ वेरी गुड टूल जो कि आपको एसईओ करने से मदद करेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसके बारे में जानकारी के लिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप जाकर उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पार्टनर, और अभी चलिए देखते हैं आज का स्पेशल सेशन क्या होने वाला है। फ्रेंड, आज का स्पेशल सेशन होने वाला है ई, और ई फॉर होता क्या है। ई फॉर पहले बता चुका हूं, ई फॉर होता है एजुकेशन, लर्निंग। अगर आप सीखते हैं कहीं भी जगह में, अगर कुछ भी चीजें करना चाहते हैं, कुछ भी चीजें सीखना चाहते हैं, कुछ भी चीजें आगे बढ़ना चाहते हैं कभी भी, तो आपको पहले एजुकेशन लेना पड़ता है, और वही एजुकेशन मैं आपको देता हूं। आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आप कैसे आगे जा सकते हैं, इसकी बात है। तो दोस्तों एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। रियली में अगर एजुकेशन नहीं है तो आपका जिंदगी का मतलब ही नहीं है। अगर आपके पास एजुकेशन है, आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं, जो भी मंजिल चाहे आप उसको अचीव कर सकते हैं। अगर एजुकेशन है सब कुछ आप कर सकते हैं, अगर एजुकेशन नहीं है तो आपको कोई रिस्पेक्ट करने वाला नहीं है। देखिए, एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि तो आपने सिर्फ डिग्री हायर कर ली। डिग्री हायर करना एक अलग सा एजुकेशन होता है। एजुकेशन का मतलब शिक्षा होता है, क्या सीखते हैं आप। मैं जो बताता हूं आप उनसे ही बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेगा आपको। इससे बहुत सारी जिंदगी में, जिंदगी लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस। सीखना एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण चीज रहता है। अगर आपको कोई भी चीजें करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको पहले उनको उनके साथ कंसल्ट करना पड़ेगा, उनको टाइम देना पड़ेगा, और एजुकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ योर लाइफ। अगर रियली में अगर चाहते हैं लाइफ में आगे बढ़ना, सीखना, तो एजुकेशन लेना बेहद जरूरी है, ठीक है। पहला हो गया है एजुकेशन। दूसरा आपको क्या लगता है, क्या गैस की? देखिए मैं आपको तीन बताने वाला हूं, अभी स्किप मत कीजिए वीडियो को, क्योंकि आपको यहां पर एजुकेशन में दे रहा हूं। दूसरा एजुकेशन में जो पहला होगा आपका एजुकेशन, और दूसरा होता है आपका क्या, एक्साइटमेंट। सीखने के लिए एक्साइटमेंट भी होना चाहिए आपके पास। आपके पास एक्साइटमेंट होना चाहिए कि हाँ मैं सीखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। एक्साइटेड होना चाहिए आप, पहली बार आपके दिमाग में चलना पड़ेगा भाई मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ सीखना है, मुझे बहुत आगे जाना है। तब आपको लेना पड़ेगा एजुकेशन का, एक्साइटमेंट लेना पड़ेगा। एक्साइटमेंट के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर एक्साइटेड नहीं है, मान के चलिए,
मान के चलिए आप एक व्यापारी हैं, हाँ काफी सारे लोग यहाँ पे व्यापारी भी होंगे। देखिए कभी 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 कोई दुकानदार के पास जा रहे हैं, कोई दुकानदार ऐसे बैठा है कि जैसे उसको नींद आ रहा है, क्या लगता है आप उस दुकानदार के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सोया है भाई, उसको क्यों जगाऊं। कोई दूसरा कोई एक्साइटेड के साथ है तो उसके पास जाते हैं। कभी कभी माँ की हो, कभी कभी मॉल को जाते हैं आप लोग, कोई मॉल सुनसान है तो वहां की बस लोग नहीं जाते हैं। अगर कोई मॉल में आप देखे होंगे डीजे लगता है, कोई माइक में अनाउंसमेंट चलता है, तो लोग उनसे उसे इतना भीड़ होता है कि पूछो मत, क्योंकि वो लोग ऐसा एक्साइटेड है, इसीलिए उनका बिजनेस ज्यादा से ज्यादा होता है। अगर किसी के साथ एक्साइटेड नहीं है, कोई भी एक्साइटेड नहीं, आप बिजनेस कैसे करेंगे, आप आगे कैसे बढ़ेंगे? इसीलिए जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो एक्साइटेड रहना बेहद जरूरी है, चाहे कुछ मिले या ना मिले, मैटर नहीं है, मैटर है आप कितना एक्साइटेड है वही चीजें पाने के लिए, करने के लिए कितना एक्साइटेड है आप, अपने जो काम कर रहे हो काम को कितना एक्साइटेड से कर रहे हैं आप, वो सबसे बड़ी मेहनतता है। इसीलिए अगर एक्साइटेड है तो आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती है, अगर एक्साइटेड नहीं है तो आपको कुछ भी चीजें नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों अगर रियली में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो एजुकेशन के साथ एक्साइटमेंट भी बहुत जरूरी है, रियली में एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है। और लास्ट और फाइनल ई फॉर होता है क्या, आपको क्या लगता है, क्या लगता है आपको फाइनल के बताओ भी है, स्किप मत कीजिए, क्योंकि अभी जो बताऊंगा वो सबसे डिफरेंट बताऊंगा, और जो भी है आप सीखिए, तीनों फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, फाइनल फॉर्मूला ई फॉर होता क्या है, फाइनल द एक्सपर्ट। आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम चूज कीजिए, जिंदगी में बहुत सारे काम मिल जाएगा आपको, कोई भी काम चूज कीजिए उसी में आपको एक्सपर्ट बनना पड़ता है। अगर एक्सपर्ट बन गए तो आपको जिंदगी ऐसे दुनिया के ऐसे कोई काम नहीं, ऐसे कोई चीजें नहीं जो कि आपको कोई हरा सकता है। और एक्सपर्ट तब बनेंगे आप जब आप उसी की रिगार्डिंग सही से एजुकेशन लेते हैं। तो देखिए तीनों को तीनों कॉम्बिनेट है, तीनों को तीनों मिले जुले हुए हैं, कहीं किसी के पास मतलब अगर नहीं है तो जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए एक्सपर्ट बनना बहुत जरूरी है आपको, कोई भी चीजें करते हैं आप, चाहे छोटा दुकान कीजिए चाहे बड़ा बिजनेस कीजिए, उस जो चीजें आप कर रहे हैं उसमें एक्सपर्ट बन जाइए, क्योंकि काबिलियत बनने से पहले आपको कामयाब बनने के लिए आपको काबिलियत होना चाहिए आपके पास, ध्यान रखना। कामयाबी होने के लिए कामयाबी बनने के लिए तो आपके पास काबिलियत होना चाहिए, अगर काबिलियत नहीं है तो कामयाब कभी नहीं बन सकते हैं। इसीलिए काबिलियत लाओ, दैट मीन्स एक्सपर्ट बन जाओ उसमें, कोई भी चीजें कर दो, कुछ भी चीजें बना दो, इसीलिए एक्सपर्ट बनना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों तीनों को तीनों हमेशा दिमाग में रखे रहना, पहला हो गया था आपका एजुकेशन, दूसरा एक्साइटमेंट, तीसरा है एक्सपोर्ट, ये तीनों आपको दिमाग में ठान लेना और देखना ये चीज को लेकर अगर एक बार आगे निकलना चाहते तो एक बार देखिए, जरूर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपको वीडियो कितना अच्छा लगा मुझे कॉमेंट पे लिख के भेजना, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना और दूसरों के साथ शेयर करना, जो भी चाहते इस तरह मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों उससे बाद हम आपके लिए बहुत सारी चीजें प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिजिटल वेज हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर चाहते हैं आप एक बिजनेस को आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग बिजनेस के रिलेटेड काफी सारी चीजें बना रहे हैं, बहुत सारे ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे जो दिया गया डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और हमारे वेबसाइट का लिंक है, तो आप जाकर सर्च कर सकते हैं इसके बारे में, डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों चाहते हैं आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ना, मार्केटिंग ट्रेनिंग लेना, तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, आप देख सकते हैं जाकर और शेयर कर सकते हैं सभी को, अगर जो भी चाहते हैं उनका बिजनेस बढ़ाना और उनका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। वीडियो को आप तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।